ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है साकार यादें। पार्ट 9। टॉपिक का नाम है बाबा की कुटिया। इस बगीचे में बाबा ने कुटिया भी बनवाई, देखने में बिल्कुल सादी और प्राचीन कला की परिचायक, परंतु इसमें बैठे बाबा के पास जब कोई अपने मन का हाल बताने जाता तो उसे लगता कि आज किसी ने मेरे आत्मा पर से सारा बोझ हटा दिया है और उसके बदले में मुझे हर्ष और हल्कापन दे दिया है। क्षण भर में उन्हें बड़ी से बड़ी समस्या का हल मिल जाता। वे बाबा के निकट बैठकर ज्ञान के गहन रहस्यों तक पहुंच प्राप्त लेते और उन्हें ऐसा लगता कि अब इन शिक्षाओं को अपने जीवन में ढालना कठिन नहीं होगा। इसी कुटिया में बैठकर ही बाबा विभिन्न सेवा केंद्रों से आए अनेक वत्सों के पत्रों का भी उत्तर देते, जिसे पाकर उन्हें बहुत उल्लास, उत्साह और आत्मीयता का अनुभव होता। गोया यह कुटिया नहीं थी, बल्कि इस संसार सागर में जहाँ पर मनुष्य माया के तूफानों से तथा दुख और अशांति की चट्टानों से घिरा हुआ है, उसके उस जीवन रूपी जहाज के लिए एक लाइट हाउस का काम करती, जहाँ से सभी को ज्ञान और योग की सर्च लाइट मिलती रहती। बाबा ने केवल आवास और प्रशिक्षण के लिए सीधे सादे कमरे ही नहीं बनवाए, बल्कि स्वास्थ्य और सौंदर्य के नियमों का भी ध्यान रखा। बाबा ने 12 दरी वाले 2 हवादार कमरे भी अच्छी खासी ऊंचाई पर बनवा दिए और राजस्थानी भवन निर्माण कला में दिव्यता का समावेश करते हुए बाबा ने इन पर बहुत सुंदर गुम्बद बनवा दिए। ऐसा लगता है कि ये गुम्बद दूर से ही माया से थके मांदे जिज्ञासियों का आह्वान करते हुए मुख भाव में शिव बाबा का यह संदेश देते हैं कि आओ, मेरी छत्र छाया में आओ और अपने जीवन को कमल पुष्प के समान बनाओ। अपने जीवन में इस नए और ताज़ा ज्ञान की ताजगी अनुभव करो और पुराने पथों एवं रूढ़ियों की घुटनों से मुक्ति पाओ। इन गुंबदों के ऊपर रात्रि को सदा एक एक बल्ब जगता रहता, जो शिव बाबा के इस संदेश को किरणों की तरह फैलाता कि अज्ञान की इस अंधेरी रात में मुझ सदा जागती ज्योति परमात्मा के पास आओ। जीवन पथ पर भूले भटके मुसाफिरों आओ और सुख शांति की विरासत पाओ। टॉपिक का नाम है इस तपोवन में बाबा की तपस्या। इस प्रकार
पांडव भवन में सब सुख सुविधाएं सहज सुलभ कराकर भी बाबा स्वयं तो सदा एक छोटे से पुराने कमरे में ही बने रहे। यह देखकर कई वत्स बाबा से कहते, बाबा क्या यही अच्छा हो कि इतने कठिन परिश्रम से बनवाए गए इस बड़े भवन में आप भी किसी एक नए ही कमरे में आवास करें। बाबा हम इस नए भवन की सुख सुविधा को लेते हैं और आप इस पुराने ही कमरे में रहते हैं। बाबा इस बात पर तो हमारा मन नहीं मानता। तब बाबा कहते, वत्सो शिव बाबा तो आते ही पुरानी दुनिया में और पुराने शरीर रूपी रथ में है। नई सतयुगी दुनिया तो वे आप बच्चों के लिए ही बनाते हैं, अतः बाप तो आप बच्चों को नए भवन में देखकर खुश होता है। बाबा कहते, मैं किन्हीं कर्म संन्यासियों की तरह कोई गुरु या आचार्य नहीं हूँ कि स्वयं सुख लूटू और अपनी सेवा पूजा आप बच्चों से कराओ, बल्कि यह बाप तो सारी सृष्टि का रूहानी सेवक है जो कि सबको मानव से देवता बनाने की सेवा करने पर तत्पर है। अतः बच्चे सेवक का तो ऐसे ही कमरे में रहना ठीक बनता है। बाबा की यह बातें सुनकर सभी मुक होकर रह जाते, क्योंकि वे जानते कि वे युक्ति अथवा दलील से तो कभी बाबा को मनवा नहीं सकते। वे हंसते मुस्कुराते हुए इतना मात्र ही कह पाते कि नहीं बाबा, ऐसा नहीं होगा। परंतु वे स्वयं अपने मन में जानते कि वे बाबा को अपनी बात पचा नहीं पा रहे। देखो तो कितनी थी बाबा की त्याग और तपस्या की भावना और उनका लोक सेवा का संकल्प। उनका हाथ सदा देने की मुद्रा में रहता था और वे सांसारिक सुख सुविधाओं के प्रति बेपरवाह थे। वे इसी कमरे में ही तपस्या करते रहते, इसी स्थान पर ही वत्सों को योग दृष्टि एवं व्यक्तिगत परामर्श देकर उन्हें अनेक वरदान देते रहते। आज यह तपस्या का कमरा हो गया है, क्योंकि उस त्याग तपस्या और सादगी के आदर्श बाबा ने यहाँ तपस्या की थी। परंतु हाय, जब ऐसे स्नेही सहायक एवं साधारण रूप में मानव मात्र के अलौकिक और पारलौकिक पिता इस पर ऐसे महान चरित्र कर रहे थे, तो संसार के लोग आँख मूंद कर विकारों से मूर्छित होकर बेसुध और बेखबर सोए पड़े थे। और उनमें से कितने तो ऐसे थे जिनके कंधे झंझोड़ने पर भी वे करवट तक नहीं लेते थे, और कितने तो ऐसे भी थे जो सुनकर भी अनसुनी कर देते थे। और सबसे ज्यादा दयनीय तो वे थे जो सुनने पर भी उस पिता के प्रति असहिष्णुता, मन मुटाव और वैर विरोध की भावना को अपने मन में पालते रहते। इस भवन को बनाने के कार्य में जो मिस्त्री
और मजदूर लोग लगे हुए थे, वे भी बाबा के सुमधुर, सुकोमल एवं पितृवत व्यवहार से बहुत प्रभावित थे। बाबा उन्हें बच्चे बच्चे कहकर बुलाते थे। वे वहाँ के माली को भी माली बच्चे कहकर पुकारते थे। वे उन्हें सर्दी प्रारंभ होते ही गर्म कपड़े दिया करते थे और उनकी मजदूरी के अतिरिक्त उन्हें छाछ, चाय आदि भी दिया करते। वे उनके लिए कभी मीठे चावल बनवा देते और कभी खाने की और कोई चीज दिया करते। वे उनके छोटे बच्चों को भी कई प्रकार की चीजें दिलाया करते। कई बार बाबा ने उनके लिए कंबल भी मंगवाए और चप्पल अथवा जूते भी। जब कभी बाबा बाहर जाते तो पांडव भवन के मिस्त्रियों, मालियों तथा सफाई कर्मचारियों को विशेष खर्चा भी दिया करते। अतः बाबा को देखते ही उन लोगों का मन रूपी मोर ना छूटता। उन्हें लगता कि यह धरती के देवता है। अतः वे करबद्ध होकर भावना पूर्वक नमस्ते किया करते। टॉपिक का नाम है बाबा का बगीचा। बाबा को फूलों का भी बहुत शौक था। अतः बाबा ने पांडव भवन के निर्माण में जहां अन्य आवश्यकताओं को स्थान दिया, वहां इसके एक बड़े हिस्से में फूलों का एक बगीचा भी बनवाया तथा उसमें कई प्रकार के फूल भी लगवाए। बाबा कहते, इस बगीचे में मैं सभी प्रकार के फूल और फल लगवाऊंगा। सेवा केंद्रों से पवित्र बनने अथवा सेवा करने वाले जो बच्चे यहाँ आएंगे, उन्हें मैं अपने हाथों से ये फल खिलाऊंगा। इस बगीचे में अनेक प्रकार के जो फूल होंगे, वे जिस आध्यात्मिक रहस्य के परिचायक होंगे, उसका बोध भी बच्चों को कराऊंगा। मेरे ये ज्ञानवत सभी मानव रूप में फूल ही है और शिव बाबा रूहानी माली है, जो इन सभी को देखकर हर्षित होते हैं। इस ज्ञान के बगीचे में भी कोई तो अभी कली बना है, कोई फूल, इसमें कोई तो सूर्यमुखी है, जिसका मन सदा ज्ञान सूर्य परमात्मा की ही ओर रहता है, कोई रूहे गुलाब है, जिसकी रूह में दिव्य गुणों की सुगंधी है, कोई मोतिया अर्थात मोगरा या चमेली की तरह खुशबूदार और पवित्र है, किसी की कली गुलाब की तरह ज्ञान से खिल उठी है, तो कोई गेंदे की तरह इस ईश्वरीय बगीचे की शोभा है। इसके अतिरिक्त कोई तो अब फल बन चुका है, जिसमें कि ज्ञान रस भर गया है, परिपक्व हो गया है और दूसरों की सेवा में लगा चुका है। इस प्रकार ये बगीचा भी सेवा केंद्रों से आने वाले वत्सों को ज्ञान देने का एक निमित्त कारण बन जाता। टॉपिक का नाम है आप कली हो, फूल हो या फल हो। कई बार बाबा आगंतुक व्यक्तियों को
फूल भेंट करके उनसे पूछते, बताओ बच्चे, अभी आप कली हो या फूल बने हो या फल बन चुके हो। कोई कोई तो बाबा की इस पहेली को समझ ही न पाता और किन्हीं किन्हीं को तो उनके सेवा केंद्र की इंचार्ज बहन पहले से ही ये पाठ पढ़ाकर ले आती कि बाबा ऐसे ऐसे प्रश्न पूछा करते हैं। कभी बाबा यह भी पूछते कि बताओ बच्चे, अभी आप में माया का कोई काटा तो नहीं रहा हुआ। कभी बाबा कहते कि हर एक सेवा केंद्र पर आने वाले ज्ञानवत्स गोया एक मानवीय गुलदस्ता ही है। बच्चे, आपस में गुलदस्ता बनकर रहना और अपनी अपनी खुशबू शिव बाबा को देते रहना। कई बार बाबा क्लास के अंत में थाली में फूल लाने का निर्देश पहले से दे देते और वाणी के अंत में मुस्कुराते हुए कहते कि अच्छा, जिस वत्स की जैसी अवस्था हो, कोई आकर उसको वैसा ही फूल दे दे। टॉपिक का नाम है निष्ठा अवस्था। बाबा के जीवन की एक मुख्य विशेषता तो यह थी कि वे स्वरूप निष्ठ थे। उन्हें शिव बाबा के अंग संग रहने का इतना अभ्यास था कि वे दोनों शायद अलग ही न होते थे। वे जब खाना खाते तो अपने साथ भोजन करते वत्सों को कहते, यह देखो, यह हाथ तो इसका है, परंतु शिव बाबा इस हाथ द्वारा इस बच्चे ब्रह्मा को कितने प्यार से भोजन करा रहे हैं। यह ब्रह्मा बाबा शिव का मुरब्बी बच्चा है ना। जब वे स्नान कर रहे होते और कोई उन्हें आकर कहता कि बाबा ट्रंकॉल आया है, तो बाबा कहते, बच्चे उन्हें कह दो कि बाबा शिव पर लोटी चढ़ाकर अभी आता है। कभी तो वे ऐसा महसूस करते कि वे नहा नहीं रहे, बल्कि उनके तन में जो शिव बाबा आया है उस पर वे जल की लोटी चढ़ा रहे हैं। और कभी उन्हें ऐसा लगता कि जैसे माता पिता किसी बच्चे को नहलाते हैं, शिव बाबा अब उन्हें नहला रहे हैं। इस प्रकार उन्हें देह की सुध न रहती और देह से संबंधित कर्मों में भी वे शिव बाबा को न भूलते। सारा दिन अशरीरी शिव बाबा का मनन चिंतन स्मरण गुणानुवाद गायन आदि करते करते वे काया के आभास और माया के प्रहार से परे होते गए थे और उनकी स्थिति ऐसी होती गई थी कि जैसे देह में होते हुए भी वे न हो, उनकी निद्रा में भी निद्रा नहीं थी, बल्कि उसमें सुषुप्ति का अंश तो आटे में नमक के समान ही रह गया था, या शायद इतना भी न था, क्योंकि शायद उसमें भी वे विश्व सेवा के स्वप्न देखते और शिव बाबा से बातें करते। उनकी इस योगारूढ़ सदा जागती ज्योति के समान अवस्था का सुफल यह था कि जब कोई भी उनके निकट आकर बैठता
तो उनकी योग दीप शिखा उस व्यक्ति की ज्योति को भी जगा देती। कोई उनकी आंखों में देख लेता तो वह इस दुनिया से कहीं दूर एक सूक्ष्म सुखमय लोक में पहुंच जाता। कोई भी पुरुषार्थ किए बिना वह एक पंख के समान हल्कापन अनुभव करता। कम से कम उतने समय के लिए तो उसमें देह और संदेह का भाव मिट जाता। उसका पुराने से पुराना मनोविकार भी शांत हो जाता और उसे एक अचित्य अवर्णनीय शांति का अनुभव होता। यदि उसने अपने इस या पिछले किसी जन्म में कुछ भक्ति या उपासना की होती तो सहज ही उसे बाबा के मुखमंडल पर और उसके आसपास प्रभा मंडल दिखाई देता, जिसे वह देखता ही रहता। गोया बाबा की निकटता मात्र से बिना बताए मूक स्थिति में भी यह परिचय मिल जाता कि वह बाबा क्या कर्तव्य करते हैं और कैसी सृष्टि स्थापन कर रहे हैं। और यह भी मन में विचार आता कि ऐसी आत्मस्थिति की अवस्था अथवा देह से न्यारेपन की स्थिति बड़ी मधुर है और सहज ही हो सकती है। टॉपिक का नाम है सादगी और सद्व्यवहार। बाबा सादगी का एक उत्तम उदाहरण थे। वे छोटे से कमरे में रहते थे जो पुराने ढंग का था और उसकी छत भी पक्की नहीं बनी हुई थी, बल्कि टीन की चादरों से बनी हुई है। उसी कमरे में वे आगंतुक लोगों से, अतिथियों से और वत्सों से मिलते भी और उसी में पत्र भी लिखते। वही आकर उन्हें कोई अपने मन का हाल भी बताता, परामर्श भी करता तथा मार्ग प्रदर्शन भी लेता। वही कमरा उनका शयनागार भी था, उनका भोजन गृह भी था, उनका छोटा कार्यालय भी और मुलाकात का कमरा भी। वहाँ न कोई आधुनिक प्रकार का फर्नीचर रखा रहता, न उसमें कोई गलीचा बिछा था, न वहाँ वातानुकूलित था और न ही वहाँ कोई डबल फोम पड़ा था, बल्कि एक बड़ी सी गद्दी थी जिस पर वे स्वयं ही बैठते और कई बार वत्सों को भी बिठाकर प्यार, पुचकार और दुलार तथा अपने हाथों से मिष्टान्न अर्थात टोली देते। परंतु स्वच्छता में वह कमरा अनुपम था। बिस्तर पर सफेद चादरें बिछी हुई, दीवारों पर सफेद चूना हुआ, गद्दी भी सफेद वस्त्र से ढकी हुई और यहाँ तक कि कमरे की अलमारी भी सफेद रोगन से भी शोभायमान थी। उसमें जब श्वेत वस्त्रधारी बाबा के सामने बैठे और उनकी पावनकारी वार्ता सुनते तो मन की काली माफी मिट जाती और वह भी निर्मल तथा उज्जवल हो जाता। न कमरे की कोई विशेष
साज सच्चा थी और न कोई बनाव ठनाव, परंतु उस कमरे में बैठकर सेवा मूर्ति बाबा ने कितनी आत्माओं को एक नया जीवन प्रदान किया होगा। कितनों कितनों ने वहां बैठकर प्रभु मिलन का सुख पाया होगा और ईश्वर अर्पित होने का संकल्प लिया होगा। न बाबा के तन पर कोई बनावटी श्रृंगार, न बाबा के कमरे में। बाबा कहते, बच्चे, इस ईश्वरीय सेवा में जिस किसी ने एक पैसा भी अर्पित किया है, उसका वह पैसा भी 1,00,000 रुपए से अधिक मूल्यवान है और वह मनुष्यात्माओं को पावन बनाने तथा उनको शांति देने की सेवा के लिए है। उसे हम अपने सुख भोग के लिए खर्च नहीं कर सकते, वरना वह अमानत में ख्यानत होगी। उन दिनों पांडव भवन में एक नव भवन भी बना था, जिसमें अनेका अनेक कमरे थे। कई वत्स बाबा से कहते, बाबा, अब आप उनमें से किसी कमरे में क्यों नहीं आ जाते? तब कभी तो बाबा कहते, बच्चे, अब तो इस दुनिया को भी छोड़ना है, इस कमरे की क्या बात करते हो? अब तो फर्श से अर्श में जाना है। दूसरे किसी अवसर पर वे कहते, बच्चे, इस दुनिया में कुछ भी नया नहीं, नया तो अब सतयुग में जाकर बनाएंगे, यह तो सारी दुनिया ही पुरानी है, बाबा ने पुराना तन लिया है, अपना योग भी पुरातन है, तो कमरा भी पुराना ही ठीक है। ऐसा कहते हुए वे मुस्कुरा देते और प्यार से कहते कि नया मकान तो आप सर्विसेबल सीखी लदे बच्चों के लिए प्यार से बनाया है। बाबा प्यारे बच्चों को वहां रहा देखकर खुश होते हैं। कभी बाबा यह भी कहते, बाप तो बच्चों को सुख देने आया है, बाप बच्चों का सदा सर्वेंट होता है, तभी तो लौकिक बाप भी बच्चों को पैदा कर उनके लिए जीवन भर कमाता है और उन्हें विरासत देता है। बाप का जो कुछ भी होता है वह बच्चों के लिए होता है, अतः यह भी आप बच्चों के लिए ही है। यह बाप तो विश्व सेवक है ना, सेवक तो सर्वेंट्स क्वार्टर में रहते हैं, नए मकान में तो मालिक रहता है और आप तो बालक सो मालिक है। इस प्रकार बाबा के त्याग, सेवा और उनकी सादगी की क्या दास्ता सुनाएं? उनका आहार अल्प, खर्च अल्पतम और उनकी सेवा अथक तथा उनके स्नेह की छाप अमीट थी। वे भद्रता, सज्जनता, आतिथ्य और सत्कार के आदर्श देवता रहे। मधुबन में आकर जो कोई भी रहता, वह चाहे किसी कारखाने का दैनिक वेतन पर कार्य करने वाला अशिक्षित व्यक्ति हो और चाहे शिक्षित एवं बुद्धिजीवी समाज का कोई विशिष्ट एवं मान्य व्यक्ति हो, बाबा का प्यार सभी के लिए पितृवत था।
वे सभी को विशेष आत्मा अर्थात VIP मानकर उनसे संभाषण करते। उन्होंने कभी किसी को व्यक्तिगत रूप से फटकार, ललकार या डांट डपट नहीं दी, बल्कि वे सदा सभी से सुकोमल, सुमधुर, सद्भावनापूर्ण और सम्मान सहित शब्दों से वार्ता करते। सदा उच्च स्थिति में रहते हुए, महानता के शिखर पर बैठे हुए, वे सभी को महान बनाने की चेष्टा करते और उनके साथ मर्यादित व्यवहार, श्रेष्ठ बर्ताव, शालीन रीति नीति और सम्मानपूर्ण विधि से बर्ताव करते। उनके मीठे बोल, उनकी मीठी दृष्टि, उनके मधुर व्यवहार, ज्ञान की मीठी बातें और उनकी मीठी मुस्कान और मीठे बच्चों कहकर पुकारने के कारण ही तो उनके निवास का नाम पड़ा मधुबन तपोवन। आज भी बाबा का वह कमरा सेवा के निमित्त है। उस कमरे में वही चारपाई मौजूद है, वही गद्दी बिछी है, वहाँ सफेद अलमारी भी है, परंतु बीच की एक दीवार निकाल दी गई है जिसमें वह कमरा अब बड़ा हो गया है। बाबा ने उस कमरे में रात दिन जो सेवा की वह अविनाशी हो गई। उस वायुमंडल में त्याग, तपस्या, सेवा, सादगी, स्नेह, माधुर्य, वात्सल्य, दुलार के प्रकंपन, स्पंदन और सुगंधित तरंगे अभी भी वहाँ बैठने वाली आत्माओं को प्रभावित करती है। बाबा का वहाँ रखा ट्रांसलाइट आज भी संदेश और निर्देश देता हुआ तथा स्नेह और वात्सल्य की भाव तरंगों से तरंगित करता हुआ तथा दृष्टि लेने चाहने वालों को दृष्टि देता हुआ, पूछने वालों को प्रश्न का उत्तर और मिलने चाहने वालों से मिलन मुलाकात करता हुआ प्रतीत होता है। बाबा फर्श से अर्श पर चले जाने के बाद भी अथवा व्यक्त से अव्यक्त होने के बाद भी उस कमरे में आने वालों से मिलते हैं, उनको सूक्ष्म वरदान देते हैं, उन्हें कमियां दूर करने की विधि बताते हैं और उन्हें वहां से खाली नहीं भेजते। वे उन्हें कोई न कोई सूक्ष्म सौगात देते हैं। कोई पृथ्वी पर स्थित निकट स्थान से आता है और कोई दूर से, परंतु बाबा सूक्ष्म लोक से आकर स्नेही वत्सों से स्नेह पूर्वक मिलते हैं। आओ आज हम उस ऐसे मीठे बाप को जान व जिगर से, तन और मन से, अपनी हर तार, हर नस से, दिल की तह से शुक्रिया अदा करें कि जिसने रूहानी प्यार से हमें मीठे बच्चे कहा, हमारे लिए अपनी सर्व संपत्ति और सर्वस्व लगा दिया, हमारे लिए अपनी संपत्ति में जीवन को समाप्त कर अपनी नींद,
वह अपने आराम को भी छोड़कर लोगों की निंदा, कटु आलोचना, विरोध और हंगामों को सहन कर हमें मनुष्य से देवता बनाने के लिए अपनी हड्डी हड्डी भी दे दी कि जिन अस्थियों पर भी बना हुआ शांति स्तंभ आज हमें विश्व को शांति देने की प्रेरणा देता है और हम में सेवा, त्याग, तपस्या तथा एकता के नए प्राण फूंकता है। अच्छा, ओम शांति।